इस बैंक की मैनेजमेंट टीम और बैंक के फंडामेंटल्स तो 2 साल से स्ट्रॉन्ग है, फिर ये बैंक नीचे आया ही क्यों? और क्या अब ये स्टॉक कभी ऊपर जाएगा भी? नमस्ते एवरीवन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं कंफर्टेबली बहुत लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता हूं और इसमें इन्वेस्ट करते टाइम मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और ये मेरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने बनाई थी 1 अगस्त 2023 में जब ये स्टॉक 86 रुपीस पे था, फिर मैंने बनाई 1 मई 2024 को जब ये 81 रुपीस पे था और आज ये 71 रुपीस पे है जब मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपसे शेयर किया था कि ये एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है एंड मैं इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता जाऊंगा, जो मैंने किया भी। और आज मैं आपसे इस स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज डिस्कस करूंगा, ये बैंक इस वीक अपने रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करने वाला है एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसका वेट भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी सारे बैंक्स अपने रिजल्ट्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं एंड सारे टॉप बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एचडीएफसी बैंक अपने हाईएस्ट एवर सेल्स और प्रॉफिट पे पहुंच चुका है, एक्सिस बैंक ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं, कोटक बैंक का भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी अच्छा रहा आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रेवेन्यू ऊपर ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिस्टर वैद्यनाथन के अंडर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बैंक की मैनेजमेंट टीम और बैंक के फंडामेंटल्स तो 2 साल से स्ट्रॉन्ग है, फिर ये बैंक नीचे आया ही क्यों? और क्या अब ये स्टॉक कभी ऊपर जाएगा भी? और जाएगा तो कब और कितना? चलो एनालिसिस शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले 1 साल से नीचे आ रहा है। पिछले 1 साल में ये स्टॉक 17% डाउन आ चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से तो ये अभी 23% नीचे है। सबसे पहले इसी का रीजन समझते हैं। कंपनी ने अपने टोटल रेवेन्यू को तो पिछले 3 साल से हर क्वार्टर में इंक्रीज किया है, मतलब एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं था जब रेवेन्यू इंप्रूव ना हुआ हो। बट जब नेट प्रॉफिट की बात आती है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जून 2023 क्वार्टर से रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड इसी टाइम पीरियड के बाद से स्टॉक प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि बैंक प्रॉफिटेबल ना हो या लॉस में जा रहा हो, बिल्कुल भी नहीं, बस प्रॉफिट उस रेट से ग्रो नहीं कर पा रहा जिस रेट से ग्रो करना चाहिए। अब इसके रीजंस क्या है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रोविजनिंग में इंक्रीज होना। बैंक्स को जब पता चलता है या जब उनकी रिस्क मैनेजमेंट टीम प्रिडिक्ट करती है कि उनके कुछ लोन्स पे डिफॉल्ट होने वाला है तो बैंक अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग कर लेते हैं उन लोन्स के अगेंस्ट। प्रोविजनिंग बैंक्स के लिए एक बहुत नॉर्मल चीज है एंड ऐसा करना कोई बुरी बात है, ये जरूरी भी नहीं है। प्रॉपर प्रोविजनिंग करके बैंक अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को फिलहाल कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है पिछले 1 साल से अलग अलग रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल, इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में प्रोविजनिंग का रीजन था तमिलनाडु फ्लड्स, जिस वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ लोन्स अफेक्ट हो गए। उससे एक क्वार्टर पहले भी आईडीएफसी ने अपने प्रोविजंस को अराउंड 50% से इंक्रीज किया था, जिस वजह से स्टॉक ने एक नेगेटिव हिट लिया था। तो ये क्लियर है कि आईडीएफसी अपने लोन्स के साथ थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है पिछले 1 साल से, जिसके अलग अलग रीजन जरूर हैं। और सिर्फ आईडीएफसी नहीं, काफी बैंक्स अपने प्रोविजंस को इंक्रीज करते हैं बट वो जनरली उनके प्रॉफिट का बहुत कम पोर्शन होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक ने अभी FY25 के Q2 में अपने प्रोविजंस को 130 करोड़ से इंक्रीज किया बट ये उनके प्रॉफिट का बहुत ही छोटा पोर्शन है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी के कंपैरिजन में तो एक छोटा बैंक है, तो नेचुरल सी बात है इनकी स्ट्रेटजीज थोड़ी अग्रेसिव भी होंगी एंड ये रिस्क भी थोड़ा ज्यादा लेंगे एंड ये शायद इनके लोन्स में कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। दूसरा इशू जो आईडीएफसी के प्रॉफिट को ग्रो करने से रोक रहा है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट का बढ़ना, जिसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे ब्रांच नेटवर्क इंक्रीज होना, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय सैलरीज एटसेट्रा। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम अकेले आईडीएफसी की नहीं है, पिछले 1 साल में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काफी बैंक्स ने ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक इंक्रीज एक्सपीरियंस किया है। एंड इसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ड्रॉप होने के रीजंस की लिस्ट होती है खत्म। तो अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने प्रोविजनिंग वाले इशू से बाहर निकल जाता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इसके अलावा ये बैंक बाकी सभी डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा कर रहा है। सेल्स ऊपर जा रहे हैं, नेट रेवेन्यू में 28% ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी ऊपर है, फी एंड अदर इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम ये दोनों भी ऊपर है। अगर हम लास्ट क्वार्टर में जो तमिलनाडु फ्लड्स की वजह से एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ी
उसको हटा देते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 2% की ग्रोथ आ जाती है 11% के डी ग्रोथ की जगह। बैंक ने अपने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए इनको भी इंप्रूव किया है। ओवरऑल ये सब सिग्नल है कि फ्यूचर में बैंक की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। और पॉइंट ये भी है कि आईडीएफसी फर्स्ट की मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है, उसका रिजल्ट बैंक के सभी मैट्रिक्स पे दिख भी रहा है। ये प्रोविजनिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड इश्यूज बहुत ही ज्यादा टेम्पररी है एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में ये रिजोल्व हो जाएंगे। अब मैं इनके रिजोल्व होने पे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तब तक तो स्टॉक डेफिनेटली ऊपर भाग चुका होगा, इसलिए मैं ऐसा तो कर नहीं सकता। मुझे अभी आईडीएफसी बैंक अपने फेयर वैल्यू से काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है, इसलिए इस टाइम पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्रीज करूंगा। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा रिस्क भी है, बट ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, ये तो होता ही है। बट मैं फिर भी इसे ब्लाइंड रिस्क नहीं कहूंगा कि आंख बंद करके मैंने आईडीएफसी में पैसे लगा दिए। मुझे कुछ चीजें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर है जो मेरे इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेटेड बट लो रिस्क बेट बनाती है। पहला, बैंक अपने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है जो रेवेन्यू का डेटा क्लियरली बता रहा है। दूसरा, बैंक आगे भी ग्रो करता रहेगा, बैंक के खुद के टारगेट के अकॉर्डिंग ये अपनी ब्रांच नेटवर्क को अगले 5 साल में डबल करने वाले हैं। एक बैंक की ग्रोथ में ब्रांच नेटवर्क क्या रोल प्ले करता है इस पर डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरा, बैंक का जो स्ट्रगल है वो बहुत ही टेम्पररी है, मे बी एक क्वार्टर और एंड प्रॉफिट में रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी अनलेस कोई मेजर इवेंट ना हो जाए जो लोन्स को और अफेक्ट कर दे। फोर्थ, यूएस फेड ने रेट कट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आरबीआई भी फॉलो करेगा, लोन्स वगैरह सस्ते हो जाएंगे तो और ज्यादा लोग लोन्स लेंगे जो सिर्फ आईडीएफसी नहीं सभी बैंक्स के लिए बेनिफिशियल होगा। फिफ्थ, इंडियन इकोनॉमी में अभी बैंक्स के पास बहुत पोटेंशियल है तो एक सैचुरेटेड इंडस्ट्री होने के बावजूद सभी बैंक्स मिलजुल कर ग्रो कर सकते हैं। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है आईडीएफसी फर्स्ट का मैनेजमेंट। पिछले 5 साल में मैनेजमेंट ने बहुत ही पॉजिटिवली इस बैंक की ग्रोथ के लिए काम किया जो रिजल्ट्स में एविडेंट है। बैंक के सीईओ मिस्टर वैद्यनाथन की रेपुटेशन भी इस बैंक को बहुत फेवर करती है। और शायद आपको ये नहीं पता हो बट बैंक ने कुछ टाइम पहले रिजल्ट्स से रिलेटेड एक अपडेट दिया था। आईडीएफसी के अपने Q2 FY25 के प्रोविजनल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी लोन बुक और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और डिपॉजिट्स में भी सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स अब इस वीक में चाहे कुछ भी आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिलहाल ये स्टॉक अपने पीक से 23% डाउन है और एक बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, इसलिए आज मैंने इस बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट को काफी इंक्रीज किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भरोसे बैठा हूं। ये बैंक मेरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 1.3% ही है। इसके कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक मेरे पोर्टफोलियो में भी 6.6% है। इवेंचुअली मैं एचडीएफसी बैंक को थोड़ा रिड्यूस एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को थोड़ा इंक्रीज जरूर करूंगा, बट मैं ऑनेस्टली आपसे ये डेटा शेयर करना चाहता था क्योंकि ऐसी वीडियोस देख के बहुत लोगों को लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इतना पोटेंशियल है तो इसमें कुछ हद से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है और मेरे इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के सख्त खिलाफ, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। और अपनी पिछली 2 वीडियोस की तरह मैं आज भी यही कहूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे पोर्टफोलियो का एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है एंड मैं इसमें रेगुलरली एंड डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट करता रहूंगा। और मेरा बाकी पोर्टफोलियो अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो उसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी पे मिल जाएगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आईडीएफसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।